सो दिस इज़ गुदरुक सूप जो कि नेपाल में और सिक्किम में बहुत फेमस है। लाई साग की सब्जी, जो साग मैंने कल खरीदा था। गोरखे चटनी जो मिर्ची से बनाया गया, सबसे इंटरेस्टिंग क्योंकि आई लव तीखा। ये लाई साग विथ चिकन। वेलकम टू लाचुंग। सो लाचुंग में हम जिस होटल में आज रुके हुए हैं, दैट इज़ रूफिनाज डी क्राउन होटल। ये एकदम नया होटल है, बस 10-12 दिन हुआ है ये होटल ओपन हुआ है और फॉर्चुनेटली हमें ये होटल आज लकीली मिल भी गया। तो पहले आप रूम टूर ले लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। सो ये रूम बहुत कोजी रूम है, बट इट इज़ गुड, आई लाइक इट। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, होटल एकदम नया है। सो देयर इज़ अ कारपेट ऑन द फ्लोर, बेड, इलेक्ट्रिक केटल वगैरह भी है, टी कॉफ़ी सेट भी है, रूम हीटर जो कि मैंने अलग से मंगवाया है क्योंकि यहाँ पे भी टेम्परेचर बहुत कम है, 5 डिग्री के आसपास, और रात में 2 डिग्री भी जा सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ से व्यू, वाओ, लुक एट द व्यू। मैं एक बार ये खोल के दिखाती हूँ, वाओ, लुक एट द व्यू। वो नीचे पूरा जो दिख रहा है, दैट इज़ लाचुंग सिटी, लाचुंग टाउनशिप। और ये होटल एकदम ऊपर में है, एकदम टॉप में है। आई थिंक दिस इज़ द लास्ट होटल इन लाचुंग, सबसे टॉप में है ये। छोटा छोटा चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। और देखिए यहाँ पे बाथरूम स्लीपर भी दिया गया है, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये सब सर हर जगह में नहीं देता है, बट ये दिया गया है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और देखिए बाथरूम भी एकदम मतलब नया। काश मैं आपको इसका जो मतलब रंग का जो स्मेल होता है वो मैं पास कर सकती वीडियो से, वो तो नहीं कर पा रही हूँ, बट एकदम नया खुशबू आ रहा है। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एक कॉमन बालकनी भी है। चलिए, एंड दिस इज़ द कॉमन बालकनी। कभी भी मर्जी हो आ जाइए, टाइम बिताइए। सो होपफुली हमारा ये नॉर्थ सिक्किम टूर आप बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, मैं भी बहुत इन्जॉय कर रही हूँ। तो ये सीरीज़, ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा है, सो डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे मेरा नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा। और मैं आप लोगों को बहुत नया नया अच्छा अच्छा वीडियो दिखाऊँगी, अच्छा अच्छा कंटेंट बनाऊँगी और आप लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश करूँगी। काफ़ी ठंडा लग रहा है और बाल का हालत भी ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने ये हुडी डाल दिया। और ऑब्वियसली वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपको नया कुछ देखना है, कुछ इम्प्रोवाइज करना है मेरे वीडियो में, वो भी बताइएगा ताकि मैं आपका एक्सपेक्टेशन भी फुलफ़िल कर पाऊँ। और सबसे बड़ी बात, साथ रहिए और हमेशा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। तो ये जो रूम हमें मिला है, ये हमने स्पॉट बुकिंग किया है। हमारा जो ड्राइवर भैया है, वो ड्राइवर भैया हमें इस रूम मतलब इस होटल में लेके आए थे, तो यहाँ पे हमने स्पॉट बुकिंग किया है। तो इस रूम का प्राइस इंक्लूडिंग ऑल टैक्स इज़ 3,000 रुपीज़, एंड इट इज़ इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। और लंच और डिनर यहाँ पे इंक्लूड हमने नहीं करवाया, क्योंकि जैसा कल मैंने बताया था कि मेरा ऐसा प्लान है कि मैं कुछ लोकल खाना खाऊं, तो वो लोकल खाना मैं कहीं बाहर में ट्राई करूंगी, जिसका मैं वीडियो का एंड में आपको बता रही हूं कि कैसे करके क्या करना है। तो इसका प्राइस मैंने बता दिया 3,000, बट मुझे लगता है मेक माई ट्रिप और booking.com से अगर आप करेंगे तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। और सीज़न ऑफ सीज़न में अगर आप आ रहे हो
तो उसके लिए भी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। दो दिन से ट्राई कर रही थी लोकल खाना, बट लाचेन में अनफॉर्चुनेटली जो हुआ आपने देखा, तो वहाँ पे तो लोकल खाना बना नहीं, जो कि मैं कल वहाँ मार्केट से ख़रीद के लाई थी वो यहाँ हमारे ड्राइवर भैया उनके किसी फ्रेंड के थ्रू अरेंज करवा दिए हैं, तो वही हम अभी खाने वाले हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ आइटम क्या क्या है। सो दिस इज़ गुदरुक सूप, जो कि नेपाल में और सिक्किम में बहुत फेमस है। लाई साग की सब्जी, जो साग मैंने कल खरीदा था। गोरखे चटनी, जो मिर्ची से बनाया गया, सबसे इंटरेस्टिंग क्योंकि आई लव तीखा। और ये लाई साग विथ चिकन। और नॉर्मल यहाँ पे गरम गरम राइस और दाल भी है, तो शुरू करूँगी, ऐसे भी बहुत भूख लगा है। बट पता नहीं मेरा चुरपी कहाँ पे खो गया, मैंने तो चुरपी ख़रीदा था और वो लाई साग के पैकेट में ही रखा था, शायद गाड़ी में ही छूट गया होगा। एनीवेज, तो जो मिला वहीं से शुरू करते हैं। तो पहले आई विल ट्राई दिस गुंदरुक सूप, उसके बारे में मैंने बहुत सुना है। लास्ट वो जो नेपाली थकाली थाली मैंने खाया था उसमें भी ये गुंदरुक उन्होंने सर्व किया था, बट नॉट इन अ सूप फॉर्म, इट्स इन अ ड्राई फॉर्म। तो यहाँ पे तो सूप मिल गया, ये बहुत हेल्दी होता है, बहुत। इसको मैं थोड़ा सा ट्राई करूँगी। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, वाओ बहुत अच्छा है। ये साग को भी फर्मेंट करके बनाया जाता है, फर्मेंट करके फिर इसको सूप की तरह बनाया जाता है, बट इसमें मसाला वैसा कुछ नहीं है, सिर्फ प्याज और टमाटर मुझे दिख रहा है एकदम, मतलब वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। और ये सर्दी में ये आपको बहुत मतलब गर्म रखता है शरीर को। तो ये मुझे अभी लेना है थोड़ा सा लाई साग, बहुत प्लेन एंड सिंपल है, एकदम सिंपल। शायद इसमें कुछ डाल के बनाया है, टमाटर प्याज दिख रहा है, इसमें कुछ और भी है शायद। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बार बार बोल रही हूँ यहाँ का खाना बहुत सिंपल है, एकदम ऑर्गेनिक, बहुत फ्रेश, और मसाला एकदम ओवर पावर ही नहीं है। दिस इज़ रियली वेरी टेस्टी। और ये गोरखा चटनी, इसमें तो प्याज टमाटर सब कुछ डाला गया है, और वो तीखा वाला मिर्ची भी। काफी तीखा होगा शायद। काफी तीखा है बट बहुत अच्छा है, रियली गुड। एंड फाइनली द चिकन विथ लाई साग, वाओ अच्छा, वाह। तो देख के इतना टेम्प्टिंग लग रहा है। तो मैं पहले ही थोड़ा सा चिकन टेस्ट करती हूँ। इट्स टू गुड, मतलब इतना सर्दी में इतना अच्छा हो सकता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। रियली रियली गुड। ऑब्वियसली अगर आप आ रहे हो सिक्किम तो ये लाई साग विथ चिकन या फिर कुछ भी
राइसाक विद चिकन या फिर पोर्क या फिर जो भी अवेलेबल मिलता है नॉन वेज, वो आप डेफिनेटली ट्राई कीजिए। आई एम श्योर यू विल लव दिस, दिस इज द बेस्ट। सो गुड नाइट। अरे हाँ, बोलना ही भूल गई, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो नया वीडियोस लेके आऊँगी, नया कंटेंट बनाने की कोशिश करूँगी एंड ऑब्वियसली आप लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश करूँगी। एंड वीडियो कैसा लग रहा है डोंट फर्गेट टू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। एंड नाउ इट्स द फाइनल गुड नाइट, बाय।